स्वागत करते हैं दोस्तों आपका एक बार पुनः एजुकेशन लाइफ में। चलिए मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए रीजनिंग लेकर दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं संध्या में ही रीजनिंग डाल रहा हूँ दोस्तों, और सुबह में जीके जीएस और दोपहर में दोस्तों मैथमेटिक्स का क्लास चलता है। तो चलिए हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर, ठीक है दोस्तों। तो पिछले वीडियो में आप सबको हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं दोस्तों। दोस्तों विषम दिन क्या होता है समझिएगा ध्यान से। किसी भी माह वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन होता है। यानी इस टॉपिक का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी माह हो वर्ष हो, यदि हम 7 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है वही हमारा विषम दिन होगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम सब एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। यदि आप रेलवे SSC GD आदि की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। चलिए कह रहा है 2 सप्ताह में विषम दिन की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यानी आप जानते हैं कि 1 सप्ताह में 7 दिन होता है। अब पूछा है 2 सप्ताह तो 7 जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 14 दिन। दोस्तों पूछा है क्या विषम संख्या, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया कि विषम निकालने के लिए 7 से भागा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे दोस्तों तो 2 बार में जाएगा, लेकिन यहाँ शेषफल नहीं कुछ बच रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो जो शेषफल होगा वही हमारा विषम संख्या होता है। तो दोस्तों वो शेषफल कितना आया 0 आया, तो 0 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक बार और समझिए, देखिए 2 सप्ताह बोला है तो 2 सप्ताह हो जाएगा 14 दिन, ठीक है। तो विषम संख्या निकालना है तो 7 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, लेकिन शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, शेषफल क्या होगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको पहला सवाल समझ में आ रहा है। प्रश्न 2, दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो है रेलवे SSC GD आदि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए कह रहा है 25 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए 25 दिन बोला है दोस्तों, और बोला है क्या विषम संख्या निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिए ध्यान दीजिए, आप विषम निकालना है 7 से क्या देंगे भागा, तो आप लिखेंगे 25, ठीक है, और बट्टे में 7 से भाग देंगे, तो जब 7 से काटेंगे 7 * 21 कितना बचा दोस्तों शेषफल 4। जो शेषफल होता है वही विषम संख्या होता है, तो शेषफल कितना आया दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा सवाल भी समझ में आ रहा है। चलिए आइए एक बार और समझते हैं। कह रहा है 25 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 25 दिन दिया, 30 दिन दिया, कुछ भी दे दोस्तों, विषम निकालना है तो 7 से क्या करेंगे भागा, तो 25 * में लिखेंगे 7, और 7 * 21 शेषफल कितना बचा है दोस्तों 4, और जो शेषफल बचता है वही हमारा विषम संख्या होता है, तो शेषफल कितना है 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न 3 काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों सभी एग्जाम के लिए। कह रहा है 1 महीना अर्थात 30 दिनों के विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे ट्रिक से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है 1 महीना 30 दिनों के विषम दिन निकालना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप क्या करें दोस्तों, पकड़ेंगे आप दिन को, दिन कितना दिया है 30, और किससे भाग देंगे 7 से, तो 7 से जब भाग देंगे 7 * 28 4 बार में जाएगा, लेकिन शेषफल क्या बचेगा 2, शेषफल क्या बचेगा 2, तो शेषफल ही होता है दोस्तों विषम संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 4, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आप इसे हल कर सकते हैं ट्रिक द्वारा, किसके द्वारा, ट्रिक द्वारा। दोस्तों आप जानते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और विषम संख्या निकालना है दोस्तों, तो 7 से भाग देंगे, जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, और शेषफल ही होता है दोस्तों विषम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न 5 काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों सभी एग्जाम के लिए। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आप सभी के लिए मैंने एक ट्रिक बताया, ध्यान दीजिएगा, चाहे लीप हो या चाहे साधारण, दोस्तों आपको 7 से भाग देना है। दोस्तों लीप वर्ष में जो है 366 दिन होते हैं, और आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, ठीक है, जब 7 से भाग देंगे तो बचेगा आपका शेषफल 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है 2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको 5वां प्रश्न भी समझ में आ रहा है।
दोस्तों एक बार और समझिएगा, देखिए चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, यदि विषम संख्या निकालना है तो ट्रिक याद कीजिए, सात से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही आपका हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अपनी तैयारी करते रहें।